दोस्तों, जियो को लेके आपने बहुत बार न्यूज सुना होगा, बल्कि डेली आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि जियो में आज किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और इतने परसेंट के लिए इतने हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। और रिसेंट के डेज की अगर मैं बात करूं तो जियो में टोटल 1 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो चुका है पिछले कुछ ही महीनों में। तो लेकिन जियो में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते इतने सारे इन्वेस्टर आके जियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और वो कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में आके जियो में इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा हम बात करना चाहते हैं कि जियो का बिजनेस मॉडल क्या है और आने वाले दिनों में जियो अपने आप को कैसे शेप करना चाहता है एज अ इंडिपेंडेंट कंपनी। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं जियो के बारे में, जियो में किसने रिसेंट के डेज में कितना इन्वेस्टमेंट किया, इसके अलावा सब लोग आके जियो में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और हम बात करेंगे कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स के जो जियो के साथ काफी ज्यादा रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जियो के बिजनेस के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जिन्होंने आके जियो में इन्वेस्टमेंट किया, और कैसे किसने कितना इन्वेस्टमेंट किया जिसके चलते जो टोटल इन्वेस्टमेंट था जियो का वो हाल के दिनों में टोटल 97,000 करोड़ का हो गया। और ये अगर मैं बात करूं कि स्टार्ट कैसे हुआ था, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया था फेसबुक ने, लेकिन उसके बाद तो डेली न्यूज आने लगा कि आज किसी ने जियो में इतने का इन्वेस्टमेंट किया। चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं क्रोनोलॉजिकल वे में कि सबसे पहले किसने इन्वेस्टमेंट किया और कितने परसेंट स्टेक के लिए इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि कौन सी कंपनी ने जियो में कितना इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं बात करूं तो सबसे पहले 22 अप्रैल को न्यूज आती है कि फेसबुक ने ऑलमोस्ट 10% स्टेक के लिए 43,570 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है जियो में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सिल्वर लेक ने 1.15% का स्टेक लिया था 45,655 करोड़ के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विस्ता ने 2.32 बाय पेइंग 11,367 करोड़। उसके बाद जनरल अटलांटिक ने, उसके बाद केकेआर ने, उसके बाद तो दोस्तों जो रिसेंट की न्यूज निकल के आई है वो निकल के आई है अबूधाबी से। अबूधाबी की एक कंपनी है अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कि उस गवर्नमेंट की कंपनी है जिसने 5,683 करोड़ रुपीज पे करके जियो में 1.16% का स्टेक बाय किया है। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि 22 अप्रैल से लेकर 7 जून के बीच में जियो ने ऑलमोस्ट 20% स्टेक अपना डाइल्यूट किया है और उसको पैसा मिला है 97,000 करोड़ के आसपास का। और ये रिलायंस के पास काफी अच्छा अमाउंट निकल के आया है, जो उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिया था कि आने वाले टाइम में एक डेट फ्री कंपनी बनेंगे, तो उस ऑब्जेक्टिव की ओर आगे चल रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं जियो के बारे में कि जियो में सब लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर मैं आज से 2 महीने पहले पीछे चला जाऊं तो लोग बोलते थे कि कम्युनिकेशन सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो एकदम से ऐसा क्या चेंज हो गया कि जिसके चलते सब लोग अभी टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय एयरटेल का शेयर प्राइस जो एक टाइम पे 300 पे ट्रेड करता था, अभी वो 600 के आसपास चला गया। मतलब कि उसने बहुत अच्छी रिटर्न दी, उसने जो क्वार्टरली रिजल्ट दिए वो भी अच्छे थे, उनका आरपू बहुत अच्छे अमाउंट से इंप्रूव हुआ था। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब लगने लगा है कि जो बैड टाइम था टेलीकॉम सेक्टर का, वो कहीं ना कहीं पीछे निकल गया है। चलिए मैं बात करता हूं जियो के बिजनेस मॉडल के बारे में कि क्या जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी है और उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी बनना है, या इससे बड़ा ऑब्जेक्टिव है उनका जिसके चलते सब लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा स्टेक भी लेना चाहते हैं। दोस्तों, अगर मैं जियो के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीटली डेटाबेस कंपनी बनना चाहती है। जो कंपनी आपको डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, मान लो कि अगर आपको अपना मोबाइल में नेटवर्क यूज करना है, उसके लिए आप जियो का नेटवर्क यूज कर सकते हैं, जहां पे जियो ने बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट किया है। वहीं पे अगर हम बात करें डिवाइसेस की, मतलब कि मोबाइल फोन्स की, तो वहां पे भी जियो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप जियो के मोबाइल खरीद सकते हैं, जो कि उन्होंने बहुत चीपली प्राइस रखे थे ताकि आम लोग उसका यूज करके मोबाइल डेटा का यूज कर सकें और इंडिया में जो मोबाइल डेटा की पेनिट्रेशन है वो ज्यादा अच्छे से हो सके। इसके बाद अगर मैं बात करूं होम ब्रॉडबैंड की, तो वहां पे भी जियो ने बहुत अच्छे से पेनिट्रेट किया है। तो जियो ने ऑलमोस्ट आज से कुछ टाइम पहले तक अपनी स्कीम स्टार्ट की थी होम ब्रॉडबैंड की, कि अगर किसी को घर में ब्रॉडबैंड लगवाना है तो वहां पे भी जियो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। तो दोस्तों, इसके बाद बात आती है होम ब्रॉडबैंड के बाद कि आप घर में अलग अलग तरीके की डिवाइसेस यूज करते हैं, जो कि आप अलग अलग सर्विसेज लेना चाहते हैं। जैसे कि लोग आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां पे भी जियो ने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन किया था। जैसे कि आपको पता है कि बहुत लोग एप्पल टीवी या ऐसी बहुत सी डिवाइसेज यूज करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाने के लिए, तो वहां पे जियो लेके आया था अपना सेट टॉप बॉक्स, जिसका यूज करके आप इन सारी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि जियो ट्राई कर रहा है अलेक्सा जैसी डिवाइस लाने की, जहां पे वॉइस कंट्रोल पूरे घर को ऑटोमेट किया जा सके।
तो जियो का जो पूरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉपरली एक टेक ड्रिवन कंपनी बनने का है, जो पूरा होम ऑटोमेशन से लेके नेटवर्क प्रोवाइड करने तक आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों अगर मैं जियो की बात करूं, तो जियो ने जो पार्टनरशिप किया था फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ, तो वहां से उनको एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो सर्विस लेके आने वाले हैं जहां से आप व्हाट्सएप से सीधा ग्रोसरी का ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोग अवॉइड करते हैं घर से निकलने का, और वो चाहते हैं कि उनको सारे प्रोडक्ट्स उनके घर में ही मिल जाएं, जिसको एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जियो आने वाले टाइम में व्हाट्सएप पे आपको फैसिलिटी देने के बारे में सोच रहा है, जहां से आप डायरेक्टली ग्रोसरी का ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके चलते जो जियो का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि सारी सर्विसेज को ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जा सके, तो ये रिलायंस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं जियो से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स की, जो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं जियो की, तो जियो के पास ऑलमोस्ट 387 मिलियन सब्सक्राइबर है, और यहां पर उन्होंने बहुत अच्छा इंक्रीमेंट दिखाया है पिछले कुछ टाइम में। अगर मैं बात करूं रिसेंट के वैल्यूएशन से, तो जो रिसेंट का वैल्यूएशन निकल के आता है रिलायंस जियो का, वो 5 लाख करोड़ के आसपास का निकल के आता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि जियो कितना रेवेन्यू निकाल के देता है ओवरऑल रिलायंस कंपनी को, तो वो रेवेन्यू 24% के आसपास का है। तो अगर ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 100 रुपीज है, तो वहां से उनका 24 रुपीज का जो रेवेन्यू है वो रिलायंस जियो से निकल के आता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आरपू की, जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जो हमें बताता है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कितना मिलता है उस पर्टिकुलर कंपनी को, तो अगर मैं रिलायंस जियो के आरपू की बात करूं, तो इनका जो आरपू है वो है 130 रुपीज का। वहीं पे अगर मैं बात करूं एयरटेल की, तो एयरटेल का आरपू अभी सबसे ज्यादा है इस पूरी इंडस्ट्री में, जो कि 154 रुपीज के आसपास का है, और जो इन्होंने अभी तक हाईएस्ट रिकॉर्ड किया है पिछले कुछ महीनों में। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनका आरपू कैसे बढ़ा है, तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं, मतलब कि सेम क्वार्टर के रिजल्ट को पिछले साल के क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं, तो वहां पे थोड़ा सा ड्रॉप दिखा है इनके आरपू में। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, तो क्वार्टरली थोड़ा सा बढ़ा है इनका आरपू, बट अभी भी इनका आरपू बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जो प्राइसिंग वॉर था इस पूरी इंडस्ट्री में वो कहीं ना कहीं पीछे निकल गया है, और अभी काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज को। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं रिलायंस जियो के मार्केट शेयर की, कि इनका ओवरऑल इंडस्ट्री में मार्केट शेयर कितने का है, तो रिलायंस जियो का जो मार्केट शेयर है वो 32% है इन ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री। वहीं पे अगर मैं बात करूं भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय एयरटेल का जो मार्केट शेयर है वो है 28% के आसपास। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें, तो जियो अभी वहां पे मार्केट लीडर है, लेकिन अगर हम आरपू की बात करें, तो आरपू में अभी भारतीय एयरटेल अच्छा परफॉर्म करती है जियो के कंपैरिजन में। लेकिन जियो का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले दिनों में एक लिस्ट होना चाहती है एज ए इंडिपेंडेंट कंपनी, लेकिन वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कब ये लिस्ट होगी एज ए इंडिपेंडेंट कंपनी। बट तब तक अगर आपको लगता है कि आपको जियो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू ही आप जियो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आप एक चीज का ध्यान दें कि रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका रिलायंस जियो में नहीं होता, आपका एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है। वो कैसे? क्योंकि जो रिलायंस बिजनेस है वो अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है, तो उनका टोटल रेवेन्यू अगर 100 रुपीज का आता है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था सिर्फ 24 रुपए का रेवेन्यू उनका जियो से निकल के आता है। तो यहां पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी पूरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस चीज पे एज अ इन्वेस्टर आपको काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उस कंपनी का ओवरऑल वैल्यू कहां से डिराइव होती है, और अगर आपको एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट में अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट करना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट उस ओवरऑल कंपनी को कितना रेवेन्यू निकाल के देती है। तो दोस्तों ये वीडियो हम प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे, हम कहीं पे भी किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं देते। तो ये वीडियो में हम आपको बताना चाहते थे कि रिलायंस जियो में हाल के दिनों में कौन कौन से इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, और इनका बिजनेस मॉडल क्या है, और इसके बारे में मैंने बात किया कि इनके फाइनेंशियल पैरामीटर्स में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। इसके अलावा हमने इसको कंपेयर किया इनके कॉम्पिटिटर के साथ, जो कि है भारतीय एयरटेल। तो अगर आपके वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो #AskGrow लिख के हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।